नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली उपचुनावों के परिणाम जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे है और बीजेपी की लहर दिल्ली वासियों के बीच में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली उपचुनावों में आम आदमी पार्टी रोहिणी से त्रिलोकपुरी से सबसे आगे है और बीजेपी का मत कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 5 वार्डों में हुए थे जिसमें से आम आदमी पार्टी 4 सीट, कांग्रेस 1 व बीजेपी 0 वोट मिले थे। तो इसी के साथ दिल्ली वासियों में आम आदमी पार्टी की लहर जोर शोर से है और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान ने अपनी ही खेती को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, किसान आंदोलन जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर से चल रहा यह आंदोलन अभी भी अपने उसी चरम पर है। किसान या सरकार दोनों में से किसी के पक्ष से भी कोई राहत की खबर नहीं आई है। इसी बीच किसान अपनी ही फसल को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ किसानों के अंदर इसका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और जो फसल में लागत लगती है, जो खेतों में लागत लगती है, और उस फसल को अगर हम बेचने जाते हैं तो उसका मूल्य भी हमें कम मिलता है, जिससे सभी किसान आक्रोश में हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होते हैं तो हमारे किसान भाई आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम यानी किसान भाई बहन मिलकर बहुत सी महापंचायतों का गठन करेंगे जिससे हम ये तय करेंगे कि हम सरकार को किस तरह से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। ठीक कुछ समय पहले राकेश टिकैत ने भी इन सभी चीजों का जिक्र किया था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया था कि गेहूं की फसल के दाम अगर MSP से निर्धारित नहीं होते हैं तो इस बार जिला कार्यालय जाकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर स्पोर्ट्स जगत से। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शादी के लिए लिया है ब्रेक। जी हाँ, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच और T20 के लिए BCCI से छुट्टी की मांग की थी और इसी बीच बताया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने ये छुट्टी अपनी शादी के लिए ली है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के एकदम से छुट्टी पर चले जाने से सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें उड़ने लगी थी। जैसे कुछ लोग उनके चोटिल होने का दावा कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी शादी होने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इनकी जानकारी देते हुए कह दिया है कि वो शादी के लिए ही आराम ले रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम जसप्रीत बुमराह को वापस फील्ड पर देखेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यानी कि देश के मोड़ की तरफ। देश का मोड़ यानी कि किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अभी तक कोई भी राहत की खबर किसी भी पक्ष से नहीं आई है, लेकिन आज बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के बीच पहुंचे हैं और उनकी रैलियों में उनका साथ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किसान के इस आंदोलन को केंद्र सरकार हल्के में बिल्कुल ना ले और उन्होंने साथ ही साथ विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल के साथ हमारे लिए साझा की है। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि किसान के इस आंदोलन को केंद्र सरकार बिल्कुल भी हल्के में ना ले। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की अपील भी की है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो भी यही जताना चाह रहे थे कि सरकार की ये खामोशी शायद हमारे किसान भाई बहनों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों में से अभी किसी भी पक्ष से वार्ता का कोई भी संकेत नहीं आया है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। नाइजीरिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। वायुसेना प्रवक्ता दारामुला ने बताया कि ये विमान राजधानी अबूजा से उड़ा था और इसमें उड़ते ही
जैसे इस विमान ने गति पकड़ी तो इंजन में कुछ खराबी आ गई, जिससे इस विमान ने वापस आने का प्रयास किया। इस प्रयास में 7 लोगों की मौत हो गई है और वो विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सेना इसकी जांच फिलहाल कर रही है। तो ये थी कुछ जानकारियां जिनका जानना आपको बेहद जरूरी था। अगर इन खबरों से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको पता लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इस खबर को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार जनों के साथ इसे बांटना बिल्कुल